आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर सदैव। नमस्कार, मैं हूं राजीव खामोश। आप देख रहे हैं आपका चैनल। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम लोग आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वो जानकारी है कि कल यानी कि 4 फरवरी को विद्युत उपमंडल गोयला के तहत आने वाले कुछ क्षेत्रों में विद्युत बाधित रहेगी, क्योंकि वहां पर 11 केवी एचटी लाइन की मेंटेनेंस होनी है, रिपेयर होनी है। उसके चलते जिन जिन क्षेत्रों में कल लाइट नहीं रहेगी उनके नाम हम गिनवा रहे हैं यहां से। वो जगहें हैं घड़सी, धैला, एरा, शारड़ी घाट, च्यावनी, मटकंडा, सरियाला और आसपास के क्षेत्रों में कल 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। ये जानकारी हम लोगों तक सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल गोयला के माध्यम से आई है। सहायक अभियंता रविंद्र कुमार ने ये जानकारी एक प्रेस नोट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाई है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जो भी लोग उन उन क्षेत्रों से वाबस्ता हैं, जो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, इसलिए हम लोगों ने ये माध्यम चुना और हम आप लोगों के साथ अपनी इस महत्वपूर्ण सूचना को साझा करने के लिए लाइव हुए। आप सभी से निवेदन है कि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये संदेश जन जन तक पहुंच सके और खासकर विद्युत उपमंडल गोयला के उन लोगों तक पहुंच सके जो उस परिक्षेत्र में आते हैं। हम एक बार फिर से जगहों के नाम ले देते हैं: घड़सी, धैला, एरा, शारड़ी घाट, च्यावनी, मटकंडा और सरियाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक विद्युत बाधित रहेगी। सहायक अभियंता रविंद्र कुमार ने सभी से सहयोग की अपील भी की है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप विभाग के साथ भी सहयोग करें और जो जो कार्य आपने बिजली से संबंधित निपटाने हैं उन्हें आज ही खत्म कर लें, खासकर मोबाइल रिचार्जिंग वगैरह प्रॉपर कर लें और जिनके पास पावर बैंक है वो पावर बैंक के माध्यम से अपने मोबाइलों की रिचार्जिंग को पुनः बहाल कर सकते हैं। पर जिनके पास पावर बैंक नहीं है वो आज ही इस काम को निपटा लें या सुबह 10 बजे से पहले पहले अपने मोबाइल चार्ज कर लें ताकि उन्हें कोई दिक्कत पेश ना आए। ये जानकारी आपका चैनल न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम तक ये जानकारी सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल गोयला के माध्यम से पहुंची है, तो हमने आप लोगों के साथ साझा की। यदि कोई और अपडेट होगी तो जरूर आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। तब तक के लिए मैं राजीव खामोश आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।